सो गाइज, ये वीडियो हमारी रेगुलर वीडियो से थोड़ी सी अलग होने वाली है। एंड प्लीज़ आप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि बेसिकली दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ रिएक्शन वीडियो, जिसमें मैं आपके सामने इंडियन फिटनेस यूट्यूब या इन जनरल इंडियन यूट्यूब के बारे में कुछ पर्सनल थाट्स एंड ओपिनियन शेयर करने जा रहा हूँ। सो आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। सो गाइज, 2-3 दिन पहले मैं ऐसे ही अपना यूट्यूब फीड स्क्रॉल कर रहा था एंड मुझे एक वीडियो मेरी रिकमेंडेशन में दिखी। एंड उसे देख के आई वॉज लाइक कि वट द हेल इज हैपनिंग। सो एक काम करते हैं, पहले उस वीडियो को देख लेते हैं। BCAAs एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। BCAA एक ब्रांच चेन अमीनो एसिड फॉर्मुलेशन है, जिसमें आपको मिलते हैं 3 सुपर इफेक्टिव अमीनो एसिड्स, वैलिन, लूसीन और आइसोलूसीन, 2:1:1 के ऑप्टिमल रेशियो में। रियल BCAA एक पावरफुल रिकवरी ड्रिंक है जो आपकी मसल रिकवरी प्रोसेस को बूस्ट करता है, रिकवरी को मैक्सिमाइज करता है और लीन मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। हाँ, मेरा भी रिएक्शन सेम ही था जैसे अभी आपका है, बट आई फेल्ड कि बिफोर जजिंग समवन मेरे को इस वीडियो का ओरिजिनल सोर्स चाहिए। लाइक मुझे पहले वो ओरिजिनल वीडियो देखनी है एंड उसी को पता करने के लिए मैंने साकेत के पुराने वीडियोज़ को खंगाला एंड आई फाउंड दिस वीडियो, जिसका टाइटल है लोएस्ट बजट सप्लीमेंट्स लेस देन ₹1000 फॉर कॉलेज एंड हॉस्टल स्टूडेंट्स। सो आगे बढ़ने से पहले एक बार उस पूरी क्लिप को देख लेते हैं। कई कंपनीज और ब्रांड्स क्या करते हैं, वो लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनको सप्लीमेंट्स के बारे में ज्यादा साइंटिफिक जानकारी नहीं रहती, और वो बेकार में इन लोगों को ये प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि BCAAs एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मतलब अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वो बजट लाइफस्टाइल पे है, तो एक बजट में BCAAs की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहती तो एंड दिस क्लियर्ड एवरीथिंग। सो ओरिजिनल वीडियो में साकेत बेसिकली ये कहना चाहता है कि जो कि उस वीडियो का टाइटल भी है, दैट इज़ द लोएस्ट बजट सप्लीमेंट्स अंडर ₹1000, कि अगर आप ₹1000 का बजट लेकर चल रहे हो सो उस बजट में आपको BCAA की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि BCAA सप्लीमेंट ही 750 से लेकर 800 तक के आता है। बट इस वीडियो में उस पर्टिकुलर पार्ट को ट्रिम किया गया जिसमें साकेत ने बोला है कि आपको BCAA सप्लीमेंट्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एंड देन उसको कंबाइन किया गया उस क्लिप के साथ में जिसमें साकेत एक्चुअली BCAA को प्रमोट कर रहा है। सो यहाँ पर मेन कल्प्रिट कौन है आप खुद समझ गए होंगे। बट गाइज, अगर हम इस पूरी स्टोरी को एक तरफ रखें बट फिर भी एक सवाल अराइज होता है कि क्या आपको सच में BCAA सप्लीमेंट की ज़रूरत भी है। एंड गाइज, इसका मैं डायरेक्ट आंसर करना चाहूँगा कि हाँ और ना। सो सबसे पहले हाँ, बट कुछ सर्टन लोगों के लिए, फॉर एग्जाम्पल पीपल हु आर एक्सट्रीम वीगन, जो बस प्लांट बेस्ड डाइट को फॉलो करते हैं, सो उनके लिए उस डाइट से सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं मिल पाते। हालांकि पी प्रोटीन में BCAAs डिसेंट अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं, बट फिर भी यहाँ पर यूजिंग ए BCAA और ए EAA सप्लीमेंट टू कम्प्लीट इसेंशियल अमीनो एसिड प्रोफाइल मेक सेंस। एंड दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल जिनको BCAA की एक्चुअली ज़रूरत है इज सार्कोपेनिक पेशेंट्स विथ लीवर टॉक्सिसिटी और लीवर किरोसिस। एंड गाइस, लीवर किरोसिस इज बेसिकली लीवर डिसफंक्शन, जिसमें लीवर न्यूट्रिएंट्स एंड सर्टेन अमीनो एसिड्स को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, जिससे पेशेंट्स में एक रैपिड मसल लॉस देखने को मिलता है। एंड गाइस, अकॉर्डिंग टू द स्टडीज, जिन पेशेंट्स को BCAAs के साथ सप्लीमेंट किया गया उनके सार्कोपेनिक पैरामीटर्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट पाई गई, प्लस उनकी मसल स्ट्रेंथ एंड मसल लॉस एंड अदर मार्कर्स में भी इंप्रूवमेंट पाई गई। बट अगेन, फॉर अ नॉर्मल हेल्दी पीपल जो कि डेली वर्कआउट करते हैं एंड प्रॉपर प्रोटीन इंटेक करते हैं एंड प्रॉपर डाइट कंज्यूम करते हैं, उनके लिए BCAAs इज एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ मनी। क्योंकि जब आप ऑलरेडी प्रोटीन डिसेंट अमाउंट्स में कंज्यूम कर रहे हो बाय डिफरेंट सोर्सेस लाइक एग्स, चिकन, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो आप आपके इसेंशियल अमीनो एसिड प्रोफाइल को वैसे भी फुलफिल कर रहे हो। सो वहाँ पर सप्लीमेंटिंग विद BCAA विद एक्स्ट्रा ओनली 3 इसेंशियल अमीनो एसिड्स डजंट रियली मेक सेंस। इट्स लाइक मल्टी वाइटामिन्स या, जिसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो कवर करी है। लाइक मल्टी वाइटामिन्स कुछ सर्टन लोगों के लिए जिनको एक्चुअली में कोई वाइटामिन डिफिशियंसी हो या जिनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा हो, सो उनके लिए इट्स एक्चुअली हेल्पफुल। बट एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल जो कि डाइट से वाइटामिन्स एंड मिनरल्स को अच्छे अमाउंट्स में कंज्यूम कर सकता है, उसके लिए इट्स एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ मनी। एंड गाइस, मल्टी वाइटामिन्स एट द हायर डोज ऑर्गन टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकते हैं। सो गाइस, अब मैं आता हूँ फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो की तरफ, दैट इज़ कि आखिर 2022 में भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स BCAAs एंड मल्टी वाइटामिन जैसे सप्लीमेंट्स को क्यों प्रोमोट कर रहे हैं, जबकि नॉर्मल जिम गोइंग पब्लिक को इसकी ज़रूरत ही नहीं है। एंड गाइस, इसका जवाब एज अ ऑडियंस समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट एज अ क्रिएटर माई सेल्फ आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स इट,
विच आई फील कि नॉर्मल ऑडियंस, इनफैक्ट मेरी ऑडियंस को पता होना चाहिए. सो गाइस, यूट्यूब एक ऐसी स्पेस विच इज़ लाइक द बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर क्रिएटर्स, क्योंकि यहाँ पर आप अपने टैलेंट एंड अपने नॉलेज को अपने कॉन्टेंट के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो. एंड जब आपका कॉन्टेंट लोगों को पसंद आता है एंड जब आप एक सेट थ्रेशोल्ड को कम्प्लीट करते हो, सो आप वाया गूगल एडसेंस एड्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो. ठीक है, मतलब इट्स अ बेसिक इन्फो जो कि सबको ही पता होगी. बट गाइस, एक चीज़ जो हर किसी को पता नहीं होगी कि फॉरेन कंट्रीज़ के मुकाबले इंडिया में क्रिएटर्स एडसेंस के थ्रू बहुत ही कम रेवेन्यू जनरेट करते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ CPM जो जॉनर टू जॉनर वेरी करता है. लाइक टेक चैनल्स इज द मोस्ट अर्निंग जॉनर स्पेशली इन इंडिया, देन कम्स एंटरटेनमेंट, यू नो, देन कॉमेडी, उसके बाद म्यूजिक, एंड देन उसके बाद इन मिडल और एट दी एंड आता है फिटनेस जॉनर, जिसमें एक तो वैसे ही ऑडियंस कम है. एंड आई फील कि इट्स नॉट राइट टू से कि ऑडियंस कम है, बट कहीं ना कहीं ऑडियंस को फिटनेस में ड्रामा ज़्यादा चाहिए. इसलिए जो जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो अभी भी इस रेस से पीछे है. इसलिए अगर मैं स्पेशली फिटनेस जॉनर इन इंडिया की बात करूँ तो आप कभी गूगल एडसेंस पर रिलाई नहीं कर सकते अनलेस कि आप मिलियंस में हो. बट फॉर एन एवरेज फिटनेस कॉन्टेंट क्रिएटर, आप गूगल एडसेंस से खुद के खर्चे भी नहीं निकाल सकते, एंड दैट्स अ हार्श ट्रूथ. एंड गाइज, अगर आप यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हो, सो एट दी एंड ऑफ द डे आपको उससे रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा. एंड अगर कोई बोलता है कि वो यूट्यूब पर रेवेन्यू के लिए काम नहीं कर रहा है, सो आइदर वो बहुत बड़े बाप की औलाद है या आइदर वो लाइफ में इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सेटल्ड है. बट द मेजोरिटी यूट्यूब को एज अ स्टार्टअप की तरह देखती है, इंक्लूडिंग मी. एंड इट्स रियली सैड कि पिछले 9 महीने से मैं यूट्यूब पर कॉन्टेंट क्रिएट कर रहा हूँ बट आई हैवन्ट जनरेटेड अ सिंगल रूपी, क्योंकि गूगल एडसेंस कभी क्रिएटर्स के लिए एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम रहा ही नहीं. इसलिए कंटेंट क्रिएटर्स को रिलाई करना पड़ता है ऑन स्पॉन्सरशिप्स, जिसमें कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको अप्रोच करती है एंड आप उस प्रोडक्ट को प्रोमोट करते हो एंड यू गेट अ डिसेंट अमाउंट. एंड ये अमाउंट भी वेरी करता है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक बड़ा यू नो कंटेंट क्रिएटर है, फॉर एग्जांपल गुरुमान और जीत सलाद, तो उनको लेट से कोई एक्स कंपनी ज़्यादा अमाउंट पे करेगी रेदर देन अ स्मॉल फिटनेस कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े क्रिएटर्स को लोग ज़रा ट्रस्ट करते हैं, उनकी बात मानते हैं एंड वहाँ पर नंबर्स भी ज़्यादा है. सो गाइस, दैट वाज द होल बैक स्टोरी कि वाई कंटेंट क्रिएटर्स डू स्पॉन्सरशिप्स, ताकि वो बस एडसेंस के भरोसे ना रहे एंड वो एक डिसेंट रेवेन्यू जनरेट कर पाए. लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ एनी अदर जॉब, सो स्पॉन्सरशिप्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस जॉब. सो गाइस, आई होप कि तुम्हें यूट्यूब इन जनरल एंड एक कॉन्टेंट क्रिएटर के बारे में एक दूसरा साइड पता चला. एंड एट दी एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ए क्रिएटर प्रोमोटिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. सो यहाँ पे ऑडियंस को इंटेलिजेंट होना पड़ेगा एंड खुद का एक स्टैंड पॉइंट फॉर्म करना पड़ेगा कि मुझे अपना हार्ड एंड मनी कहाँ पर एंड किस तरीके से वाइसली यूज करना है. सो गाइस, इसी नोट पर ये वीडियो को रैप करते हैं एंड मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए जस्ट टेक केयर.